हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था हम कौन से क्वेश्चन कवर करने वाले। हम लोग हमारे सारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कम्प्लीट करेंगे, प्लस एक आरटीपीस के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और हमारे जो पास्ट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आके गए वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन की अगर बात करो तो जहां से हमारा सीए फाउंडेशन का सिलेबस आया वहां से जितने भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे हम सारे के सारे अभी सॉल्व करने वाले। और जैसे मैंने आपको इस चैप्टर के बिगिनिंग में बताया था, इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है फॉर 10 मार्क्स। ओके, हर अटेम्प्ट मई 2018 बोलो, नवंबर 18 बोलो, मई 19 बोलो, नवंबर 19, ये चारों अटेम्प्ट में अभी तक इस पे एक क्वेश्चन पक्का पक्का पूछा गया है। तो वो हिसाब से भी देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। ठीक है, ओके, चलो हम लोग अभी शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की। अच्छा, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इलुस्ट्रेशन सेकंड नंबर का है वो, और हमारे नोट्स में प्रॉब्लम नंबर 1 वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रॉब्लम फर्स्ट, ये हमारे नोट्स की बात है, और अगर कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज कर रहा होगा तो उसमें आपको इलुस्ट्रेशन सेकंड, ओके, तो इल्यू 2 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, चलो देखते ये क्वेश्चन क्या दिया गया क्या नहीं है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। तो मतलब एक कंपनी है उसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, बीआरएस प्रिपेयर करना है। अब सबसे पहले यहां पे क्या दिया आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 2,40,000। ठीक है, और जब भी ये बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा तो मैंने आपको तब भी बताया ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, कुछ नहीं लिखा है। तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो हमेशा इसको आप लोग फेवरेबल बैलेंस मानोगे। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब भी कैशबुक में डेबिट बैलेंस होगा, कैशबुक में डेबिट बैलेंस होगा तो इसको आप लोग हमेशा कौन सा बैलेंस बोलते हो, फेवरेबल बैलेंस बोलोगे। ओके, तो फिर यहां पे जो हमको बोला गया है कि भाई आपका बैलेंस है कैशबुक में तो उसको हम लोग कौन सा बैलेंस मानने वाले, डेबिट बैलेंस मानेंगे, माने फेवरेबल बैलेंस मानने वाले। क्लियर, ओके, फिर नीचे क्या दिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट रूपीज 1,36,000। मतलब आपने कुछ चेक इशू किए जो अभी तक बैंक में हमने प्रेजेंट नहीं किया, बैंक में वो जिस बंदे को हमने दिया था उसने बैंक में अभी तक नहीं डाला है। उसके बाद में चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर, कुछ चेक डिपॉजिट किए जो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद में बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 300, मतलब बैंक ने कुछ चार्जेस आपसे वसूल करी है जो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर नीचे क्या था, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू 1,250, ओके, और लास्ट में द बैलेंस एज पर पासबुक इज 286,950। तो देखो बच्चों, अगर तुमको समझ रहा होगा तो यहाँ पे आपको बैलेंस एज पर कैशबुक भी दिया है और बैलेंस एज पर पासबुक भी दिया है। तो सिंपली स्पीकिंग आपके पास में यहां दो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं, आप बैलेंस एज पर कैशबुक को स्टार्टिंग पॉइंट बना सकते हो या फिर बैलेंस एज पर पासबुक को भी आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट बना सकते हो, ये आपकी मर्जी रहेगी। मैं तो सिंपली क्या करता हूं, बैलेंस एज पर कैशबुक जो होगा उसको मैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बना के ये प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाता हूं। ठीक है, चल तो कैसे करते हैं हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फटाफट बता देना। हम लोग कुछ नहीं ऊपर लिख देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और नीचे आप अगर डेट दी होगी तो डेट भी लिख सकते हो, बट यहां पे नहीं दिया है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ फॉर्मेट हम लोग कुछ ऐसे ही बनाएंगे, ये देखो पर्टिकुलर रुपीज रुपीज ये बना मेरा फॉर्मेट, कोई खास बात नहीं है इसमें, तो यहां लिख देंगे पर्टिकुलर्स रुपीज एंड रुपीज। ठीक है, सबसे पहले ए में यहां पे आपका क्या आने वाला है बताना, बैलेंस एज पर कैशबुक। ठीक है, ये आपका बनेगा यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट। आप बोलेंगे सर यहां पे पासबुक लिया तो चलता क्या, जवाब है जी हाँ, आप पासबुक भी यहां पे ले सकते हो। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैशबुक बताओ देख के कितना है, 2,40,000, तो ये हमेशा आप लोग आउटर कॉलम में डाल के रखोगे 2,40,000 के आउटर कॉलम में। और यहां पे बी में आएंगे आपके सारे एड के आइटम, जो जो एड होने वो यहां पे डालेंगे,
और सी में हम लोग जो जो भी आइटम हमारे लेस होने वाले होंगे वो हम लोग यहाँ पे सी में डालेंगे। और लास्ट में हमको हमारा क्या मिलेगा, बैलेंस एज पर पासबुक। याद होगा ना आपको, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो एंडिंग पॉइंट में क्या आएगा, पासबुक आने वाला है। क्लियर हो गया, चल आते। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 2,40,000, ये तो हमने पहले डाल दिया। अब एक एक करके नीचे आइटम्स देखने लगते हैं। सबसे पहला आइटम, उसके बाद में क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अमाउंट शो 1,30,000। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमने चेक इशू किया और जिसको चेक इशू किया उस बंदे ने अभी तक बैंक में चेक डाला ही नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, हमने चेक इशू कर दिया, ये मेरी कैश बुक, ये मेरी पासबुक, चेक इशू करने से कैश बुक में बैलेंस कम हुआ होगा। पहली एंट्री हम लोग कैश बुक में मारेंगे तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। ओके, चेक इशू करने से कैश बुक का बैलेंस कम हुआ बट पासबुक में से बैलेंस अभी तक कम हुआ ही नहीं। द रीजन इज दैट उस बंदे ने अभी तक बैंक में चेक जमा किया ही नहीं। ओके, तो कैश बुक में बैलेंस कम, पासबुक में जैसा का वैसा। व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इज माय कैश बुक। तो ये कैश बुक के हाथ में मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे ये दोनों बैलेंस मैच होंगे। तो आप बोलेंगे सर ये कैश बुक को ऊपर ला लो तो दोनों बैलेंस जाके मैच होने लग जाएंगे। इन शॉर्ट हमको यहाँ पे एड करना पड़ेगा कैश बुक के अंदर। क्लियर हो गया, तो चलो वापिस एक बार फटाफट बता देता हूँ। कैशबुक, पासबुक, मेरे को एक बात बताओ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब आप चेक इश्यू करते हो तो पहली एंट्री कैशबुक में मारेंगे, चेक इश्यू करने से कैशबुक में आपने बैलेंस कम कर दिया, लेकिन जिसको आपने चेक इश्यू किया उस बंदे ने अभी तक चेक प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में। अगर बैंक में चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो बैंक में से बैलेंस कम होने का सवाल आया ही नहीं, तो पासबुक में से बैलेंस कम हुआ ही नहीं। तो कैशबुक पासबुक में डिफरेंस आया बट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक है, तो ये कैशबुक के हाथ में मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे दोनों मैच होंगे। तो आप बोलेंगे सर इसको ऐड कर दो तो दोनों भी मैच हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो हम लोग इसको क्या करने वाले, ऐड करेंगे। तो चलो फटाफट इसको ऐड में हम लोग डाल देते। नंबर फर्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है किसके लिए, पेमेंट के लिए। कितने का चेक था, 1,36,000। तो दिस चेक वॉज ऑफ रुपीज 1,36,000, तो हमने उसको एड में डाल दिया। क्लियर हो गया, चल नीचे आ जाते। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू 90,000। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली आपने क्या किया, आपको कोई चेक मिला था तो आपने उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर। तो पहली एंट्री हमने कैशबुक में मारी होगी, चेक हम लोग, हमारा चेक जो हमको कस्टमर से चेक मिला वो हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो हमारे कैशियर ने पहली एंट्री मार दी होगी। उसने बोला होगा कि भाई चेक आने से हमारा बैंक का बैलेंस जो है वो बढ़ने वाला है, तो उसने कैशबुक में बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ा दिया, कैशबुक में बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया चेक डिपॉजिट करने पे। बट वो चेक अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं, तो बैंक वालों ने अभी तक हमारा बैलेंस बढ़ाया ही नहीं, तो डिफरेंस खड़ा होने लग गया। कैशबुक गई ऊपर, पासबुक का बैलेंस ऊपर आया ही नहीं। तो व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट हियर, स्टार्टिंग पॉइंट इज माय कैशबुक। तो कैशबुक में मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच हो जाए। आप बोलेंगे सर इसको लेस कर देना तो दोनों बैलेंस आपके मैच होने लग जाएंगे। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर। मेरे को एक बात बताओ, अगर समझ लो चेक डिपॉजिट किया तो आपका कैशबुक में बैलेंस बढ़ा, कैशियर ने पहली एंट्री मार के बैलेंस बढ़ा दिया होगा, बट अभी तक पासबुक में कोई एंट्री आई नहीं, तो पासबुक में बैलेंस बढ़ा ही नहीं, बट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कैशबुक, तो मैं उसमें क्या करूंगा, लेस कर दूंगा जिससे पॉइंट आपका मैच हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, कितने की अमाउंट का था ये, 90,000। तो फिर मैं यहाँ पे लेस में लिख दूंगा, नंबर वन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चलो बताओ ये कितने अमाउंट का था, तो ये था 90,000 का, हमने यहां पे डाल दिया कितना, 90,000 रुपीज का अमाउंट। ठीक है, आगे आ जाओ। बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300, तो बैंक चार्जेस 300 के। मुझे एक बात बताओ, ये बैंक चार्जेस सबसे पहले किसको पता चलेगा कि बैंक चार्जेस कटे हुए, तो सीधी सी बात है बैंक वाले बैंक चार्जेस काट लेते, वो सीधे बैलेंस कम कर देंगे कहां पे, पासबुक में।
हमको पता कब चलेगा, जब हमको बैंक स्टेटमेंट मिलेगा। तो सिंपली स्पीकिंग बैंक चार्जेस डिडक्ट कर दिए बैंक ने, वहां से बैंक चार्जेस लिखा है, बट इसका मतलब यही होता है ना बच्चों कि बैंक ने बैंक चार्जेस आपसे लिए, वसूल किए, जिससे आपका पासबुक में बैलेंस कम हो जाएगा। कैशबुक में बैलेंस हमारा कम तो हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं, इसी के लिए तो ये डिफरेंस का पॉइंट हुआ। तो व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट? कैशबुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं कैशबुक में ऐसा क्या करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच हो जाए? तो आपका जवाब आएगा, सर इसको लेस कर देना तो दोनों बैलेंस मैच होने लग जाएंगे। इज दैट क्लियर? वापिस एक बार बताता हूं, बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक, बैंक ने चार्जेस लगाए, तो जिससे क्या हुआ, हमारा बैंक में पासबुक में हमारा बैलेंस कम हुआ, कैशबुक में हुआ ही नहीं, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दिस। तो हमने क्या किया, जब पता चला तो जब BRS बनाएंगे तब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैशबुक पकड़े तो कैशबुक में हम लोग जब लेस करेंगे तो जाके ये डिफरेंस आपका निकलने लग जाएगा। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेस। तो मैं सेकंड नंबर पे डालूंगा बैंक चार्जेस। ओके बताओ कितने के बैंक चार्जेस थे ये? 300। अब और थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे क्या लिखा था बच्चों, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू 1250। मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट क्रेडिट किया है बैंक ने। देखो बैंक जब भी क्रेडिट करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, बैंक में बैलेंस बढ़ गया। क्लियर हो गया सबको? मैंने तब भी बताया आपको, क्रेडिट साइड होती है डिपॉजिट साइड, ठीक है? तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो पहली एंट्री कौन मारेगा, पहले किसको पता चलेगा इसके बारे में, बैंक को। तो बैंक के पासबुक में बैलेंस बढ़ा, बट कैशबुक में तो बढ़ा ही नहीं। व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट हियर? माय स्टार्टिंग पॉइंट इज कैशबुक। तो कैशबुक में मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे ये दोनों बैलेंस मैच होंगे? आप बोलेंगे सर इसको ऐड कर दो तो दोनों बैलेंस यहाँ पे मैच होने लग जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? ओके वापिस से बताता हूँ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो पहली एंट्री पासबुक में मारी गई होगी, पासबुक में बैलेंस बढ़ाया गया होगा, बट कैशबुक में तो बैलेंस नहीं बढ़ाया, पता ही नहीं था हमको। तो मेरे को बताओ हम ऐसा क्या चेंज करें इस कैशबुक के हाथ में, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इज माय कैशबुक। तो कैशबुक के हाथ में मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच हो? आप बोलेंगे सर इसको ऐड कर दो, दोनों बैलेंस मैच हो जाएंगे। तो हम यहां पे लिख देंगे क्या, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन व्हाट, कैशबुक। कितना ही है? 1250। ओके अब देखो बचो, ये 1250 अब यहाँ पे हमने डाल दिया एड में। अब क्या हुआ, अब नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे दिया बैलेंस एज पर पासबुक इज 286950। तो पासबुक के हिसाब से आपको बैलेंस देके रखा हुआ है। तो सिंपली स्पीकिंग हम पासबुक का भी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने क्या चूज किया, कैशबुक का। अब ये कैशबुक के बैलेंस में ये दोनों चीजें ऐड करके, ये दोनों चीजें लेस करेंगे तो जो हमको अमाउंट मिलेगी, अगर वो अमाउंट 286950 आई तो इसका मतलब आपने जो कुटाने किए ये शत प्रतिशत करेक्ट है, ये जो आपने आंसर निकाला ये पूरा के पूरा सही है, ठीक है। तो चलो टोटलिंग करते। देखो एक बात बता दो आपको, कैलसी अलाउड होता है, ये बेसिक फंक्शन वाला कैलसी आप लोग यूज कर सकते हो हमारे सीए के लिए। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट छोटे मोटे भी कैलकुलेशन करने कैलसी पे कर लिया करो, क्यों? क्योंकि हमको मेन दिमाग डालना है कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चल तो फिर मेरे को एक बात बताओ, ये इसकी टोटल अगर मैं बाहर निकाल लू तो ये कितना आ जाएगा बताना, 137250। ओके तो अब ये देखो, इसको अगर आप ऊपर ऐड कर दोगे 240,000 में तो ये आएगा आपका 377,250। अब इसकी टोटल बाहर निकाल दो 90,300, ये माइनस होगा क्योंकि ये लेस का आइटम है। तो इसको जब मैं लेस करूंगा तो देखो यहां पे मुझे फिगर क्या मिलती है, तो 90,300 लेस करने के बाद मुझे मिला 286,950। और आप देखोगे यही आपके क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक दिया गया है, ठीक है। तो बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो इतना ही है, कितना, 286,950। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये प्रॉब्लम सॉल्व किया वो एकदम करेक्ट था, ठीक है। आप लोग बैलेंस एज पर पासबुक से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट उस केस में इसके इफेक्ट उल्टे आते हैं, ये जो दो आइटम ऐड हुए वो लेस होते हैं, जो लेस हुए वो ऐड होते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, हम कोई उल्टा सुल्टा करने का काम नहीं करेंगे, लॉजिकली हम लोग उस टेक्निक से जाए तो भी आपको आंसर बराबर मिल जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ओके तो फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, है ना।
तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, हम लोग हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर टू, और अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे होंगे तो इलस्ट्रेशन जो आपका तीन नंबर का है वो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले, इलस्ट्रेशन थ्री। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ ₹1,50,000। तो मतलब बैंक पासबुक, तो इसका मतलब हुआ ये पासबुक के हिसाब से बैलेंस दिखा रहा है कितना, 1,50,000 टू हर क्रेडिट। बात समझ में आई? तो मतलब पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, तो पासबुक में कभी भी क्रेडिट बैलेंस रहा इसका मतलब ये फेवरेबल बैलेंस होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, व्हाइल बैलेंस एज पर कैशबुक वॉज 112,050 और बैलेंस एज पर कैशबुक कितना है 112,050। तो बोलने का मतलब हुआ यहाँ पे भी उसने दोनों बैलेंसेस दे दिए, पासबुक का भी और कैशबुक का भी। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे कुछ भी उठा सकते हो, आप बैलेंस एज पर पासबुक भी ले सकते हो या बैलेंस एज पर कैशबुक भी ले सकते हैं। अब पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या लिया था, कैशबुक लिया था। ओके, वहां पासबुक भी ले सकते थे बट हमने कैशबुक लिया। तो हम इस प्रॉब्लम में क्या करते, इस बार पासबुक से इसको सॉल्व करने का ट्राई करते। ओके, इसमें हम लोग पासबुक से स्टार्ट करेंगे। ओके, नीचे आ जाओ। ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द टू बुक्स शी असर्टेन द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। उसको स्क्रूटिनी करने के बाद ऐसे कुछ डिफरेंसेस मिले, डिफरेंस के पॉइंट मिले, क्या है देखो। शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू 80,000 बट आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब क्या हुआ, उसने 80,000 के चेक इशू की थी, उसमें से सिर्फ 32,000 चेक प्रेजेंट हुए। ठीक है, क्या क्यों कैसे आप सोचते रहो, मैं डिस्कशन पूरी रीडिंग के बाद करूंगा। फिर नीचे गए, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ 5,000 व्हिच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन बैंक। मतलब एक चेक मिला, उसने कैश बुक में रिकॉर्ड करी बट वो बैंक में डिपॉजिट करना ही भूल गई। ओके, देखते हैं क्या करना है। अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। मतलब उसने 22,000 के चेक डिपॉजिट तो करे लेकिन अभी तक वो क्या नहीं हुए बताना, अभी तक वो क्लियर नहीं हुए। अभी तक मतलब कब तक, 31 मार्च तक। अभी इस बार हमको डेट भी दे गई है। नीचे, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक येट। मतलब गुप्ता नाम का कोई उसका कस्टमर होगा या कोई बंदा होगा जिसने उसके बैंक में सीधे पैसे जमा करा दिए, तो बैंक में बैलेंस बढ़ा बट हमको तो अभी तक पता चला ही नहीं, उसने कैशबुक में एंट्री मारी नहीं। ठीक है, बैंक हैज क्रेडिट एंड बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ 1500 व्हाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। मतलब बैंक ने इंटरेस्ट के चार्जेस क्रेडिट किए, या मैं बोलूंगा इंटरेस्ट क्रेडिट किया कितना, 1500। मतलब इंटरेस्ट दिया बैंक ने 1500 का व्हाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस, और आपसे वसूल लिया कितना, वसूल लिया 250 रुपीज वसूल लिए एज बैंक चार्जेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन हुआ। अब हमको क्या करना है बताना, BRS बनाना है। क्लियर हो गया आपको? तो चलो हम लोग फॉर्मेट तो बना लेते हैं। यहां पे लिख देना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और एज़ॉन में लिख देना, मतलब एक कब का है एज़ॉन, 31 मार्च 2017। डेट दी हो तभी लिखना, नहीं तो नहीं भी लिखा तो चलेगा। अब देखो ये मेरा सिंपल सा फॉर्मेट बन गया। यहां पे मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर्स, रुपीज। यहां मैं ए में लिखूंगा बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग यहां पे क्या पकड़ रहे हैं, पासबुक हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताना, बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया गया था, 1,50,000। तो ये आने दो सीधे आउटर कॉलम में। यहां बी में कुछ चीजें ऐड होंगी पता ही आपको, और सी में कुछ चीजें आपके लेस होंगे। आप बोलेंगे सर ये कितनी लाइन छोड़ना कितना नहीं, ये जजमेंट का खेल है। जब आप क्वेश्चन रीड करते हो तभी आपने देख लेना चाहिए कि हमको कितनी लाइंस लग सकती है। ओके, तो ठीक है, बाय वे ऑफ प्रैक्टिस जम जाएगा। और दूसरा, अगर आपको ये एड लेस में अगर लगता है कि प्रेजेंटेशन खराब होने के चांसेस रहेंगे, तो आई कैन सजेस्ट यू दैट आप अगर ऐसे एड लेस न भी लिखते हुए डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख दो, फिर एड का एड लेस का लेस भी करो तो भी चलता।
लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसे हो जाए तो इट विल बी वेरी ग्रेट प्रेजेंटेशन, ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखेगा सिर्फ प्रैक्टिस करने की देर है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हमने यहां पे बैलेंस एज पर पासबुक तो लिख दिया, लेकिन वो जो बैलेंस एज पर कैशबुक है उसका काम हमको कब लगने वाले बच्चों, वो तो एकदम लास्ट में लगेगा। तो हम इसके अंदर जो एडलेस करके है, जो भी हम लोग अमाउंट लेके आएंगे वो अगर 112050 निकली तो हम मानेंगे कि हमने जो काम किया वो परफेक्ट काम किया है। ठीक है, चलो आ जाओ फर्स्ट पॉइंट, चलो पढ़ते हैं आराम से। क्या लिखा है, शी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू रूपीज 80,000, मतलब उसने 80,000 के चेक्स इशू करी है, आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वेयर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमने किए तो 80,000 के इशू थे बट उसमें से सिर्फ 32,000 के चेक वालों ने प्रेजेंट किया बैंक में। ठीक है, बाकी ने नहीं किया। चलो कैशबुक पासबुक, ठीक है, चेक इशू किया तो पहली एंट्री कहां पे, कैशबुक में। कैशबुक में क्या होगा, 80,000 से बैलेंस कम हो जाएगा। हमने 80,000 के चेक इशू किए तो पहली एंट्री कैशबुक में, कैशबुक में 80,000 से आपने बैलेंस कम कर दिया। क्लियर हो गया तुमको? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, बैंक में से बैलेंस कम हुआ क्या? जवाब है हुआ। आप ना मत बोलना, बैंक में से बैलेंस कम तो हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने 80,000 के चेक इशू किए बट उसमें से 32,000 के चेक बैंक में प्रेजेंट तो हुए। वापिस से देखना, हमने 80,000 के चेक इशू किए तो कैशबुक में तो बैलेंस 80,000 से कम हुआ, लेकिन पासबुक में भी बैलेंस कम हुआ, लेकिन कितने से हुआ, 32,000 से। क्यों 32,000 से बचो? क्योंकि आपके जो चेक इशू किए थे 80,000 के, उसमें से 32,000 के चेक तो वहां पे बराबर प्रेजेंट हो गए, तो प्रेजेंट हो गए तो बैंक में से भी बैलेंस कम हुआ, लेकिन कितने का कम हुआ, 32,000 का हुआ। बट फिर भी यहां पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। क्लियर है सबको? फिर भी डिफरेंस दिख रहा है, कितने का डिफरेंस होगा, 48,000 का डिफरेंस है। कैसे 48,000? 80,000 के इसने कम कर दिए बैलेंस और बैंक ने 32,000 का ही बैलेंस कम किया, क्योंकि बैंक में चेक कितने प्रेजेंट हुए थे, 32,000 के, और बचे हुए चेक तो अभी तक बैंक में प्रेजेंट हुए ही नहीं। बचे हुए कितने है बताना, 48,000। तो बेटे ये डिफरेंस 48,000 का आ रहा है। अब मेरे को बताना, व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, आराम से बोलना, व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। पासबुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, बात ध्यान में रखना, हमने पासबुक लिया है तो पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं पासबुक में ऐसा क्या करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच हो जाए? तो आप बोलेंगे सर पासबुक में से लेस कर देना तो जाके आपके दोनों बैलेंस मैच होंगे। बट याद रखना, हमको लेस कितना करना पड़ेगा, 48,000 ही लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जब चेक इशू किया था तो कैशबुक में से बैलेंस 80,000 से नीचे कम हो गया था, लेकिन जब पासबुक की बात करें तो यहां तो चेक सिर्फ 32,000 के ही प्रेजेंट हुए, तो वहां भी बैलेंस कम हुआ, लेकिन कितने से हुआ, 32,000 से हुआ। तो 80,000 से ये कम हुआ, ये 32,000 से कम हुआ, बट फिर भी दोनों में डिफरेंस था ना बच्चों, तो ये डिफरेंस भगाने के लिए तो हम लोग बीआरएस कर रहे हैं, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक। तो पासबुक में हम ऐसा क्या करें जो दोनों बैलेंस आपके मैच हो जाए? तो आप बोलेंगे सर इसको लेस कर दिया जाए तो आपके दोनों बैलेंसेस मैच होने लगेंगे। तो हम लोग ये 48,000 यहां से क्या करने वाले, लेस करने वाले। ठीक है, तो चलो यहां पे मैं डाल देता हूं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, बताना कितने थे, हमने चेक कितने इशू किए, 82,000, और उसमें से 32,000 तो प्रेजेंट हो चुके थे, तो नॉट प्रेजेंटेड कितने बचे, 80,000 में से 32,000 माइनस करो तो ये 48,000 के जो चेक है वो प्रेजेंट नहीं हुए। क्लियर हो गया आपको? तो दिस इज अबाउट अप टिल नाउ, अभी तक हमने बस इतना ही देखा है और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो आगे जाते। सेकंड, शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ रुपीज 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ, उसको 5,000 का चेक मिला। क्लियर हो गया, उसको 5,000 का चेक मिला तो उसने क्या किया, उसने कैशबुक में तो रिकॉर्ड कर लिया। अब चेक मिला तो वो डेफिनेटली कैशबुक में बैलेंस बढ़ाएगी, ये मेरी कैशबुक, उसने क्या किया कैशबुक में बैलेंस बढ़ा दिया। चेक मिला था, उसने कैशबुक में एंट्री मारी,
चेक मिलने पे कैशबुक में वो बैलेंस बढ़ाएगी कि कम करेगी, तो डेफिनेटली वो बैलेंस बढ़ाने वाली है, तो उसने कैशबुक में बैलेंस बढ़ाया, लेकिन गड़बड़ में उसने बैंक में वो चेक डिपॉजिट करना ही भूल गई, तो बैंक वाले थोड़ी ना बैलेंस बढ़ाने वाले, तो बैंक में तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं, कैशबुक में बैलेंस बढ़ा बट पासबुक में बैलेंस बढ़ा ही नहीं, तो व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट हियर, पासबुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, तो अगर मेरा पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो मैं पासबुक में क्या करूं जो दोनों बैलेंस मैच हो जाए, तो आप बोलेंगे सर ये मैं पासबुक में ऐड करूंगा तो जाके ये क्या हो जाएगा, दोनों भी मैच होने लग जाएगा। मैं वापस से बोलता हूँ, चेक आपको मिला था ओके, तो कैशबुक में तो एंट्री हो गई, तो चेक मिलने पे कैशबुक में हम लोग क्या करते हैं बताना, कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिया, बट पासबुक में अभी तक हमने कोई एंट्री मारी नहीं, क्यों, क्योंकि वो चेक अभी तक डिपॉजिट हुआ ही नहीं, तो मैं पासबुक में ऐसा क्या करूं या पासबुक के हाथ में ऐसा क्या करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच हो जाए, तो आप बोलेंगे सर इसमें ऐड कर देना तो जाके आपके दोनों भी बैलेंस मैच होने लग जाएंगे। तो हम लोग ऐड में डाल देंगे नंबर वन चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक, बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक 5000 ओके। चलो मैं एक आपको एक क्वेरी भी बता देता हूं जो मतलब मेरे को पास्ट में कुछ स्टूडेंट्स ने पूछी भी थी, वो शायद आपके भी अभी दिमाग में चल रही होंगी, तो मैं पहले जस्टिफाई कर देता हूं आपको, ठीक है, देखो प्लीज ऐसे सुना। अभी किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर देखो आप बोल रहे हो कि चेक मिला तो हमने कैशबुक में एंट्री मारा थी तो हमने बैलेंस बढ़ा दिया, बट वो चेक हमने डिपॉजिट ही नहीं किया बैंक में, तो इसके लिए बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा, तो हम बीआरएस कर रहे, तो सर आप बोल रहे हो कि पासबुक में ऐड कर दो तो जाके ये बैलेंस मैच होगा, तो आप बोलेंगे सर जो चेक डिपॉजिट हुआ ही नहीं तो हम पासबुक में क्यों ऐड करेंगे, पासबुक में क्यों एंट्री मारेंगे। तो बच्चों मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा जिसके दिमाग में ये डाउट जनरेट हुआ, तो वो बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं पासबुक में एंट्री मारने की बात कर रहा हूं, ये मैं जो एड लेस करने की बात कर रहा हूं ना बच्चों, ये बात मैं बीआरएस की कर रहा हूं, बीआरएस में हम लोग एड लेस करेंगे, और मैंने इसके पहले ही आपको क्या बताया, बीआरएस एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, मेमोरेंडम माने रफ स्टेटमेंट, ये सिर्फ हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं कि हमारा बैलेंस पासबुक के साथ में मैच क्यों नहीं कर रहा, इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं ओके। तो आप बिल्कुल भी ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, आप बोलेंगे सर जैसे चेक डिपॉजिट मतलब चेक हमको मिला तो हमने कैशबुक में बैलेंस बढ़ाया बट पासबुक में बैलेंस बढ़ा ही नहीं क्योंकि हमने वो चेक डिपॉजिट किया ही नहीं, तो पासबुक में तो जैसा का वैसा बैलेंस था, तो मैं तो तुमको बता रहा हूं कि चलो इसको ऐड कर दो तो बैलेंस मैच होगा, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा बच्चों कि आप पासबुक में जाके एंट्री करो, कि आप बैंक को जाके बोलो कि चलो रे एंट्री मारो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये हम लोग सिर्फ बीआरएस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एडलेस हम लोग करेंगे या ऐड करेंगे या लेस करेंगे इसके बारे में बात चल रही है, ना कि पासबुक में अपडेट करने की बात चल रही है, तो ये डाउट आप लोग हमेशा क्लियर करो, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते बनाता है बना के रखते हैं, इट इज जस्ट अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट और इसका दूसरा कोई यूसेज है ही नहीं, क्लियर हो गया आपको ओके। तो आप ये डाउट कभी आने मत देना, ठीक है, मैं जब भी बोलता हूँ पासबुक में एड लेस करना पड़ेगा, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये क्यों मैच नहीं कर रहा था पासबुक से, बस ये देखने के लिए हम लोग करते हैं और इसका दूसरा कोई पर्पस नहीं, क्लियर हो गया। चलो आगे, अ चेक ऑफ रुपीज 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर येट, मतलब क्या हुआ, उसको 22,000 का चेक मिला उसने डिपॉजिट कर दी, मेरे को बताओ जब चेक डिपॉजिट कर देंगे तो पहली एंट्री तो कैशबुक में आएगी, तो कैशबुक में आपने बैलेंस बढ़ाया बट पासबुक में बढ़ाया क्या, नहीं, पासबुक में अभी तक बैलेंस नहीं बढ़ा, तो मुझे एक बात बताना व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, पासबुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, अब पासबुक में मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच हो जाए, आप बोलेंगे सर पासबुक में ऐड कर दो तो जाके ये दोनों बैलेंसेस मैच होने लग जाएंगे, क्लियर हो गया। वापिस से बोलता हूं, चेक आपको रिसीव हुआ, आपने डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ, चेक जब डिपॉजिट करते तो पहली एंट्री कैशबुक में मारी जाएगी, कैशबुक में आपने बैलेंस बढ़ा दिया, पासबुक में बढ़ाया क्या, नहीं, व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, पासबुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें मैं ऐसा क्या करूं, इस हाथ में मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच हो जाए, तो मैं ऐड करूंगा तो जाके दोनों बैलेंस मैच हो जाएंगे, क्लियर हो गया। चलो लिख देते, चेक डिपॉजिटेड but not cleared
बट नॉट क्लियर। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितने का हमारा चेक था? 22,000 रुपीज का ये चेक था, क्लियर? 22,000 का चेक था। आगे, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन द कैश बुक येट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मिस्टर गुप्ता नाम का एक इंसान है, उसने इसके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में 15,700 रुपीज डाल दिए। ठीक है, जो इसको पता ही नहीं है, उसने डायरेक्टली, गुप्ता ने क्या किया, डायरेक्टली इसके बैंक में डाल दिया, तो इसको पता ही नहीं था कि इसने पैसे डाले। तो हुआ क्या, पासबुक कैशबुक, अगर मिस्टर गुप्ता डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर दे तो बैंक वालों को तो सबसे पहले पता चलेगा कि पैसा आया, तो बैंक वाले उसका बैलेंस बढ़ा देंगे। पैसे आए बैंक में तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, कैशबुक में बढ़ा गया नहीं, क्योंकि इसने तो एंट्री नहीं मारी, इसको पता ही नहीं था कि बैलेंस वहां पे आया हुआ है, पैसे वहां पे आए हुए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिफरेंस जनरेट हो गया। व्हाट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट? माय स्टार्टिंग पॉइंट इज पासबुक। अब ये पासबुक में ऐसा क्या करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच हो जाए? आप बोलेंगे सर इसको लेस कर दो तो जाके दोनों भी बैलेंसेस मैच होने लगेंगे। वापिस से बोलता हूं मैं आपको, कैशबुक पासबुक, आपको पैसा जो है वो डायरेक्टली डिपॉजिट हुआ था बैंक में, तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, हमारे कैशबुक में अभी तक बढ़ा ही नहीं, बिकॉज हमको अभी तक पता ही नहीं था कि वहां पे पैसे जमा हुए हैं, तो डिफरेंस खड़ा होने लग गया। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पासबुक है, तो पासबुक में मैं क्या करूंगा जिससे दोनों बैलेंस मैच हो जाए? तो मैं इसमें लेस करूंगा तो जाके मेरे दोनों भी बैलेंसेस मैच होने लग जाएंगे। क्लियर हो गए? तो चलो हम लोग यहाँ पे सेकंड में लिख देंगे अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, तो कितने की अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट हुई है बैंक में? 15,700 की अमाउंट जो है वो डायरेक्टली डिपॉजिट हो गई बैंक में। क्लियर? चलो आगे लास्ट पॉइंट देखते हैं। उसमें बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1500। ओके, ये इसमें दिख तो एक ही पॉइंट रहा है, लेकिन इसके अंदर दो ट्रांजैक्शंस है, अगर आपको समझ में आया होगा तो। क्या? बैंक हैज क्रेडिटेड एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज कितना? 1500। तो कैशबुक पासबुक, बैंक ने क्रेडिट किए है 1500। अब जब भी बैंक क्रेडिट करती है इसका मतलब बैंक में बैलेंस बढ़ा। क्लियर हो गया आपको? पासबुक में बैलेंस बढ़ा, क्रेडिट किया हुआ इसकी वजह से, कैशबुक में बढ़ा क्या? नहीं। व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट? पासबुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये पासबुक में मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच हो जाए? आप बोलेंगे सर पासबुक को लेस कर दो तो जाके दोनों बैलेंसेस मैच होने लग जाएंगे। क्लियर हो गए? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और ये पिछले भी हमारे क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन आके जा चुका था, तो यहाँ पे लिख देता हूं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बोलो कितने का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है? 1500 का। तो यहां पे डाल देंगे कितने? 1500। फिर उसी में आगे क्या दिया हुआ है? वाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। तो उन्होंने क्या किया, 250 बैंक चार्जेस के लगा दिए कैशबुक पासबुक। बैंक चार्जेस की पहली एंट्री कौन मारेगा? बैंक मारेगी, पासबुक में पहली एंट्री होगी। तो बैलेंस कम होगा कि बढ़ेगा? तो बैंक में बैलेंस कम हुआ, बैंक चार्जेस से बैलेंस कम हो गया। कैशबुक में हुआ क्या? नहीं, कैशबुक में नहीं हुआ। व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट? पासबुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये पासबुक के हाथ में ऐसा क्या करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच हो जाए? इसमें ऐड करूंगा तो दोनों बैलेंसेस मैच होने लग जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? ओके, वापस से मैं आपको बता देता हूं, कैशबुक पासबुक, बैंक चार्जेस बैंक लगाएगी, है ना, काटेगी बैंक हमारे बैलेंस में से पैसे, तो बैंक ने तो पैसे काटे, हमने काटा क्या? नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक में ऐसा क्या करूं जो दोनों बैलेंस इक्वल है? ऐड करूंगा तो दोनों बैलेंसेस मैच होंगे। तो फिर आप लोग यहां पे क्या करोगे, थर्ड नंबर पे बैंक चार्जेस लेविड बाय बैंक, लेविड बाय बैंक, बताओ कितने के बैंक चार्जेस हो गए? 250 के। ये आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक हमने सारे के सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लिए, अब सिर्फ इनकी हमको टोटलिंग करनी बाकी है। ठीक है, चलो पहले हम लोग ये ऐड वालों के टोटल कर लेते हैं। तो ये कितना होगा? 22,000 प्लस 5,000 प्लस आपका 250, तो ये आता है 27,250। अब इसको तो हमको ऐड करना है 1,50,000 में, तो ऐड कर दो 1,50,000 में, तो ये आया 177
250। अब ये लेस वालों की टोटल कर लेते 48,000 प्लस 15,700 प्लस 1500, ये आता है 65,200। अब इसको 177,250 में से लेस कर दो तो ये आएगा आपका 112,050। अगर आपको समझ रहा होगा तो क्वेश्चन में 112,050 आपका बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था, तो इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो एकदम करेक्ट है, बैलेंस एज पर कैश बुक। आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमको बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया था, 112,050 देके रखा हुआ था, तो मतलब ये जो हमने आंसर निकाला वो एकदम परफेक्ट आंसर है। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलो फटाफट इसको सॉल्व कर लेना, लिख लो फटाफट। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारे नोट्स में 6 नंबर है। और अगर आप मॉड्यूल रेफर कर रहे होंगे, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे होंगे, तो वो एक्सरसाइज का 4th नंबर का क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो आज हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या दिया हुआ है। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया है, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। देखो डेबिट बैलेंस बोला गया है, सबसे पहली बात एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, गड़बड़ मत कर देना। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट आपको कैश बुक का ही बैलेंस दिया हुआ है, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस बोला तो वो हमेशा फेवरेबल बैलेंस होता है। ठीक है, तो वो कितना दिया है, 37,20,000। और फिर नीचे आपको कुछ यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस से पॉइंट्स देके रखे हुए। अब ये क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक नहीं है, नहीं तो अभी तक अपन ने जो 2 क्वेश्चन देखे थे तो वहां पे हमको क्या मिल रहा था बच्चों, हमको कैशबुक का भी बैलेंस मिल रहा था, पासबुक का भी बैलेंस मिल रहा था। अब हमको वो चीज यहाँ पे नहीं दी है, तो हम लोग डायरेक्टली उसको फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हो गया तुमको? अब नीचे डिफरेंस दिए हम डायरेक्ट पढ़ते नहीं बैठेंगे, जैसे जैसे एक ही क्वेश्चन हमको पॉइंट सॉल्व करना है वैसे वैसे हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कब का कर रहे हो आप लोग, एज ऑन 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017 का आप लोग ये BRS बनाने वाले। क्लियर? अब चलो फॉर्मेट भी बना लेते हैं। बोलो क्या कहेगा, पर्टिकुलर्स रुपीज। ओके चलो, सबसे पहले यहां पे बैलेंस एज पर बोलो कैश बुक कितना है, बैलेंस एज पर कैश बुक 37,20,000। ये तुम्हारा यहां पे बैलेंस निकल के आया। अब कुछ आइटम्स आपको पता है यहां पे ऐड होने वाले और कुछ आइटम्स आपके यहां पे लेस होने वाले, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अब चलना पड़ेगा। चल करना है स्टार्ट, आ जाओ फर्स्ट नंबर पे देखो क्या लिखा, चेक इश्यूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। ठीक है, चलो अभी ये याद रखना कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। आपने क्या किया, आपने आपके क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स का मतलब क्या हुआ, जिनको हमें पैसे देने बाकी थे। क्लियर हो गया? जिनको अमाउंट पेबल होंगी उन लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर को हमने चेक इश्यू किया होगा या उनसे हमको चेक आया होगा, सीधी सी बात तो ऑब्वियस है, हमने उनको चेक इश्यू किया होगा। ठीक है, कैशबुक पासबुक, तो हमने तो चेक इश्यू कर दिया तो पहली एंट्री कैशबुक में मारी होगी, हमने बैलेंस कम कर दिया कैशबुक का। बट जिनको हमने चेक दिया उन्होंने अभी तक बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं, इसके लिए बैंक में से पैसा कम होने का सवाल आता ही नहीं है। कैशबुक में बैलेंस कम हुआ, पासबुक में तो बैलेंस कम हुआ ही नहीं। व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, कैशबुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। कैशबुक में मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच होंगे, आप बोलेंगे सर ऐड कर दो तो दोनों बैलेंस यहां पे मैच होने लग जाएंगे। तो मुझे बताना कितना हमको ऐड करना पड़ेगा, 7,20,000। तो चलो ऐड में हम लोग डाल देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो बताना ये कितना हो गया, 7,20,000। इसको डाल देते हैं इनर कॉलम में, 7,20,000 आ गया। सर डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक ₹5,00,000। ठीक है, चलो प्लीज समझ के लेना बच्चों, डिविडेंड का मतलब क्या होता। अब जिनको डिविडेंड नहीं पता तो मैं सिंपली बोलूंगा, आपको शेयर्स तो पता होंगे, है ना, जो शेयर मार्केट में आपने सुना होगा शेयर्स होते हैं। तो शेयर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, किसी कंपनी का जो कैपिटल होता है उसका एक पार्ट जो आपने उनको प्रोवाइड किया, आपने मतलब मनी उनको प्रोवाइड की और उन्होंने बदले में आपको एक शेयर सर्टिफिकेट दिया, तो वो जो शेयर सर्टिफिकेट होता है या वो जो सर्टिफिकेट होता है दैट इज नथिंग बट द शेयर। सिंपली स्पीकिंग शेयर क्या होता है, किसी कंपनी के कैपिटल का एक पार्ट जो होता है वो होता है आपका शेयर। तो अगर आपके पास में किसी कंपनी का शेयर होगा तो यू विल बी कॉल्ड एज ओनर ऑफ दैट कंपनी, आपको उस कंपनी का ओनर बोला जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ओनर बोला गया है किसी कंपनी का, तो उस कंपनी में अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट का पार्ट आपको मिला उसको बोला जाएगा डिविडेंड। सिंपली स्पीकिंग हम किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करें, हमने किसी कंपनी में पैसा डाला तो हम उसके डेफिनेटली ओनर बन जाएंगे। और हम पैसा डालते तो जनरली हमको शेयर्स मिल जाते हैं, अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो। और जब वो कंपनी को कल चल के प्रॉफिट होगा तो वो कुछ प्रॉफिट का पार्ट हमको देगा, कंपनी हमको प्रॉफिट का कुछ पार्ट देगी, उस प्रॉफिट के पार्ट को, उस प्रॉफिट के हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंड। इज दैट क्लियर? ओके, तो आपको डिविडेंड तो मिला था, जैसे ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया था, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, मतलब हमको बैंक में सीधे डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव हुआ, तो मतलब प्रॉफिट में हिस्सा मिला, पैसे मिले, तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया, बैंक ने तो हमारा बैलेंस बढ़ा दी, बट हमको अभी तक पता ही नहीं था तो हमने कैश बुक में कोई एंट्री पास ही नहीं की। तो बैंक का बैलेंस बढ़ा, हमारे कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। ओके, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि डिविडेंड मिला हुआ है। व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट? कैश बुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कैश बुक में मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच हो जाए? आप बोलेंगे सर कैश बुक में ऐड कर दो तो दोनों बैलेंस आपके यहाँ पे मैच हो जाने वाले। क्लियर हो गया? वापिस से बोलता हूं, डिविडेंड रिसीव हुआ, कहां पे रिसीव हुआ? बैंक में। तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, हमको तो पता ही नहीं था तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहां तो बैलेंस बढ़ा ही। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक पकड़े तो दोनों को मैच करने के लिए ऐड कर देंगे। क्लियर हो गए? ओके, तो आप लोग ऐड में डालोगे डिविडेंड रिसीव्ड इन बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब जो कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। तो मुझे बताना कितने का डिविडेंड था, तो ये था ₹5,00,000 का, तो ₹5,00,000 हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर हो गए? नीचे आ जाओ, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹12,500। सिंपली स्पीकिंग इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब इंटरेस्ट दिया, किसने दिया? बैंक ने दिया, तो हमारा बैंक में बैलेंस बढ़ गया। अब ये तो पहले भी बहुत बार आया हुआ है, तो हमारा बैंक में बैलेंस बढ़ा, पासबुक में बैलेंस बढ़ा, बट हमारे कैशबुक में बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं। व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट? कैशबुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। कैशबुक में मैं ऐसा क्या करूं जो दोनों बैलेंस मैच हो जाए? कैशबुक में मैं ऐड करूंगा तो दोनों बैलेंस मेरे मैच होने लग जाएंगे। तो मैं ये पहले भी बता चुका हूं, इसलिए हम लोग अब थोड़ा सा फास्ट निकल जाएंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बोलो कितने का इंटरेस्ट अलाउ किया हमको बैंक ने? ₹12,500 का। ओके, तो ये हमने उसके अंदर डाल दिया। नीचे आ जाओ, नीचे क्या दिया? नीचे दिया गया है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। मतलब क्या हुआ, हमने चेक डिपॉजिट किया बट चेक अभी तक कलेक्ट नहीं किया बैंक ने, मतलब क्लियर नहीं हुआ है अभी तक बैंक में। तो कैशबुक पासबुक चेक डिपॉजिट करोगे तो पहली एंट्री कैशबुक में, कैशबुक में हमने तो बैलेंस बढ़ा दिया बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया, क्लियर ही नहीं किया, तो बैंक में तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं, पासबुक में तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? कैशबुक।
तो कैशबुक में ऐसा क्या करेंगे जो दोनों बैलेंस मैच होंगे, तो आप बोलेंगे सर इसको लेस कर दो तो जाके दोनों बैलेंस मैच होने लगेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। और बताना कितने का चेक आपने डिपॉजिट किया? 15,40,000 के, 15,40,000 के चेक आपने डिपॉजिट किए जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। चलो आगे, बैंक चार्जेस 2,000। अब बैंक चार्जेस का क्या होगा बच्चों? सिंपली देखो, कैशबुक पासबुक बैंक चार्जेस, बैंक आपकी क्या करेगी, बैंक चार्जेस की वजह से बैंक में बैलेंस कम कर देगी। तो पहली एंट्री पासबुक में होगी, पासबुक में बैलेंस कम हो गया, कैशबुक में हुआ क्या? नहीं, हमको तो पता ही नहीं था। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैशबुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये कैशबुक में ऐसा क्या करूं जो दोनों बैलेंस मैच होंगे? तो कैशबुक में लेस करूंगा तो जाके मेरे दोनों के बैलेंस मैच होने लग जाएंगे। क्लियर हो गए? तो मैं यहां पे सेकंड नंबर पे लिख दूंगा बैंक चार्जेस, सेकंड नंबर पे लिख देंगे बैंक चार्जेस। तो कितने के बैंक चार्जेस थे ये? 2,000 के बैंक चार्जेस थे, ठीक है। आगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वॉज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड 3,20,000। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया जो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब बाउंस हो गया, मतलब बैंक में, बैंक ने क्या किया, वो चेक को उधर ही रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। मेरे को कस्टमर से चेक मिला था, मैंने बैंक में डाला, उसमें मान लीजिए कोई एरर होगा, मान लीजिए आपने गलत साइन की होगी या बैंक में उस बंदे के बैलेंस नहीं होगा, तो चेक गेट डिसऑनर्ड, ओके, बाउंस हो गया चेक। ये आपने सुना भी होगा। तो चेक बाउंस होने का मतलब हुआ कि वहां पे कोई बैलेंस आपका बढ़ने नहीं वाला, आपके बैंक अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं पड़ा, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन हुआ। तो जब चेक मिला होगा, आपने डिपॉजिट किया होगा, तो आपने कैशबुक में पहली एंट्री मारी होगी और आपने कैशबुक में बैलेंस बढ़ा दिया। बट क्योंकि चेक डिसऑनर हुआ तो पासबुक में तो बैलेंस बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता, तो पासबुक में कोई बैलेंस बढ़ा ही नहीं, चेक डिसऑनर हो गया। और ये डिसऑनर का हमको कोई इंटीमेशन नहीं मिला, मतलब हमको ये नहीं पता चला कि हमारा चेक डिसऑनर हो गया। अगर हमको पता चलता तो हम जो बैलेंस बढ़ा चुके हैं वो कम कर देते थे कैशबुक में। बट क्योंकि हमको कोई इंटीमेशन ही नहीं मिला तो प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने कैशबुक में तो बैलेंस बढ़ा के रख दिया बट पासबुक में बैलेंस बढ़ा ही नहीं, डिफरेंस खड़ा हो गया। अब डिफरेंस खड़ा हुआ तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैशबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप क्या करोगे? कैशबुक में लेस कर दोगे, तब जाके आपका क्या होने वाला है? बैलेंस मैच होने वाला है। तो मैं इसको कहीं में डालूंगा? लेस में डालूंगा। थर्ड नंबर पे चेक डिपॉजिटेड वॉज डिसऑनर्ड, तो वो चेक क्या हो गया आपका? डिसऑनर हो गया। अभी कितने का चेक था? 3,20,000 का चेक था, ठीक है। 3,20,000 के चेक थे जो आपके डिसऑनर हो गए। क्लियर हो गया आपको? चलो आप आगे चलो। अब देखो एक बार मैं और लगा तो बता देता हूं, चेक आपको मिला था तो आपने डिपॉजिट किया तो आपने कैशबुक में बैलेंस तो बढ़ा दिया बट वो चेक तो डिसऑनर हुआ, बैंक ने बैलेंस बढ़ाया ही नहीं और ना ही हमको इंटीमेशन दिया, तो हमारा तो एड़े सर का बैलेंस ऊपर जाके बैठा है। व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट? कैशबुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं ऐसा क्या करूं जो दोनों बैलेंस मैच होंगे? तो आप बोलेंगे सर लेस कर दो, दोनों बैलेंस आपके मैच हो जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया? सीधे सीधे उसको लेस में डाल दिया, ठीक है। चलो अब आगे जाते, लास्ट पॉइंट देख लो क्या है। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ, मतलब क्या हुआ? बैंक ने हमारे बिहाफ पे हाउस टैक्स पे कर दिया, घर पट्टी आप लोग जिसको बोलते हो अपनी गवर्नमेंट लैंग्वेज में, तो वो हाउस टैक्स पे कर दिया। बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बैंक को कभी कभी इंस्ट्रक्शन दे देते कि भाई इस डेट को मेरा ये पेमेंट कर देना, मैं तो भुलक्कड़ हूं, मैं भूल जाता हूं, तो आप क्या कर देना? आप पेमेंट कर देना। तो बैंक बराबर क्या करती है? ड्यू डेट्स में पेमेंट कर देती है। तो ऐसा ही पेमेंट बैंक ने कहकर किया, बताना, हाउस टैक्स का पेमेंट किया। तो कैशबुक पासबुक हाउस टैक्स का पेमेंट करने पे सीधी सी बात है कि आपका बैंक का बैलेंस जो था वो तो कम हो गया। तो मेरा बैंक में बैलेंस कम हुआ बट कैशबुक में मैंने बैलेंस कम किया ही नहीं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज मेरे को पता ही नहीं था कि बैंक ने पेमेंट कर दिया था। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे मेरा क्या है? कैशबुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट।
ये कैशबुक में मैं ऐसा क्या चेंज करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच होंगे? तो आप बोलेंगे सर इसको लेस कर दो तो जाके ये बैलेंसेज आपके मैच होने लग जाएंगे। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, कैशबुक पासबुक हाउस टैक्स आपके बिहाफ पे बैंक ने पे किया तो पहली एंट्री बैंक ने मार दी होगी, बैंक ने आपका बैलेंस कम कर दिया। बट क्या कैशबुक में आपका बैलेंस कम हुआ? नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? कैशबुक। ये कैशबुक में मैं क्या चेंज करूं जिससे दोनों बैलेंस मैच हो जाए? कैशबुक में मुझे लेस करना पड़ेगा तो जाके मेरे दोनों भी बैलेंसेस मैच होने लग जाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फोर्थ नंबर पे मैं डाल दूंगा हाउस टैक्स पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन व्हाट कैशबुक। तो ये हमने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। बोलो कितने का हाउस टैक्स पे किया यहाँ पे? 3,50,000 का, ठीक है। तो ये भी आपको यहां से लेस करना पड़ेगा। आई होप हमारा पूरा की पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमको सिर्फ यहाँ पे क्या करनी है बच्चों, टोटल्स करने रहेंगे। चलो हम लोग ये जो एडिशन वाले उनकी पहले टोटल कर लेते हैं। बोलो कितना आएगा? 7,20,000 प्लस 5 लाख प्लस 12,500, तो ये आया 12,32,500। तो कितना आ रहा है? 12,32,500 प्लस 37,20,000, तो ये आएगा 49,52,500। ये कितना आएगा? 49,52,500। ये ऐड था तो मैंने उसमें ऐड कर दिया। अब ये लेस वालों के टोटल कर लेते हैं। चलो 15,40,000 प्लस 2,000 प्लस 3,20,000 प्लस 3,50,000, तो ये टोटल आ रही है देखो 22,12,000। ये टोटल कितनी आ रही है? 22,12,000। तो ये होनी है लेस, ये होनी है लेस। तो इसको मैं लेस कर दूंगा 49,52,500 से, तो आंसर कम्स टू 27,40,500। आंसर कम्स टू 27,40,500। दिस इज योर आंसर। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक था तो ये बैलेंस एज पर पासबुक निकल के आएगा। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना आएगा? 27,40,500 विल बी योर आंसर। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ अवर नोट्स। ये एक्सरसाइज में आपको फोर्थ नंबर पे मिल जाएगा इन योर स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब मैं आपको आज एक होमवर्क देने वाला हूं। हमारे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 10 विल बी योर टुडेज होमवर्क। तो आप लोग क्या करोगे, होमवर्क सॉल्व करोगे और मेरे को पर्सनली मैसेज करके आप लोग बता दोगे कि आपने ये कैसे कैसे सॉल्व किया है। क्लियर हो गया सबको? तो हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 10 नोट डाउन कर लेना होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको देखना होगा कि ये कहां पे है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है ये नवंबर 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है। इसको सादा सुधा क्वेश्चन मत समझना, ये नवंबर 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। और दूसरी बात, ये आरटीपी मई 20 का भी क्वेश्चन है। तो जो मई 2020 की आरटीपी है उसके अंदर भी आपको ये सवाल पूछा गया है। बात समझ में आ रही आपको? और ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ये सेम टू सेम, या मैं बोलूंगा सिमिलर क्वेश्चन है इसी तरह के क्वेश्चन का, जो अभी अभी हमने सॉल्व किया इसके ही जैसा ये भी क्वेश्चन है। तो देखो बोलने का ये मतलब हुआ कि ये जो एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। जो आपने कॉन्सेप्ट सीखी है वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो आपका डर निकालने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, नवंबर 18 की एग्जाम का क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 10 में मिल जाएगा। और जो लोगों के पास में नोट्स वोट्स अवेलेबल नहीं है, आप डायरेक्टली आरटीपी मई 20 का क्वेश्चन निकाल के देखो या नवंबर 18 के एग्जाम का देख लो, ये इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मेरे को आंसर भेज देंगे। क्लियर हो गया आपको? ओके, तो प्लीज डू दिस पर्टिकुलर होमवर्क, ठीक है। थैंक यू। आगे के लेक्चर में हम लोग और आगे का देखेंगे।